टाटा पंच इतना ज्यादा सेल क्यों हो रही है, क्यों ऐसे ही टाटा पंच को लोग पसंद कर रहे हैं, जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। हेलो गाइस, मैं संजय, आप देख रहे हैं मेरा मोडर। बहुत सारे लोग कहते हैं कि टाटा पंच उठाई हुई गाड़ी लगती है, बट मुझे तो ऐसा लगता नहीं कि टाटा पंच को ज़बरदस्ती उठा के उसको माइक्रो एसयूवी के सेगमेंट में डाल दिया। यार ऐसे ही टाटा पंच लोगों के दिलों पे राज नहीं करती है, इसके भी पीछे बहुत ज़्यादा लंबे और ठोस कारण हैं। आज जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि ऐसे क्या कारण है, ऐसे कौन से रीज़न हैं जिनकी वजह से टाटा पंच हॉट सेलिंग कार है टाटा मोटर्स की। पहला जो रीज़न है दोस्तों, वह है 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ ये गाड़ी आती है। मैंने लास्ट एक वीडियो किया था, अपने चैनल पे डाल रखा है, जो जिसमें मैंने आपको दिखाया है कुछ फुटेज जिसमें टाटा पंच का एक्सीडेंट हुआ था और सारे के सारे पैसेंजर उसमें सेफ हैं। तो दोस्तों ये सेफ्टी रेटिंग्स टाटा पंच को ऐसे ही नहीं मिल गई, इस वजह से भी लोग इसको ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि फैमिली के साथ अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं सेफ कार में तो आप भी ड्राइविंग के टाइम पे हेजिटेट नहीं होंगे। सेकंड जो इसका कारण है मेन, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसका जो है ना राइडिंग कम्फर्ट काफ़ी अच्छा है। लंबे टूर पे अगर आप निकलते हैं, ख़राब सड़कें हैं या अच्छी सड़कों पे आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो उसमें आपको परेशानी नहीं आती है, झटके महसूस नहीं होंगे। ख़राब सड़कों पे, पोर्ट होल्स पे पता भी नहीं चलता है यार कि गाड़ी निकल गई है। तीसरा रीज़न है इसको बाय करने का, इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम काफ़ी अच्छा दिया गया है। 7 इंच का टच स्क्रीन डिस्प्ले आपको मिल जाता है, जिसमें 4 स्पीकर 4 ट्विटर का सेटअप मिलेगा टॉप एंड वेरिएंट पे। अगर आप लोअर वेरिएंट खरीदते हैं तो उसमें 4 स्पीकर और 2 ट्विटर के साथ आपको ये सेटअप मिलता है। काफ़ी अच्छे साउंड क्वालिटी के साथ हारमन का म्यूजिक सिस्टम टाटा पंच में प्लेस किया गया है स्मार्टली। फोर्थ रीजन है इसका बाइक करने का, रोड प्रेजेंस काफ़ी अच्छी है इस कार की। कहीं से भी आपको लगेगी नहीं कि ये माइक्रो एसयूवी के सेगमेंट में ये कार आती है, ये कार आपको एसयूवी का ही फील देती है। छोटी सी गाड़ी है पर एसयूवी का पूरा मज़ा इस गाड़ी में आप उठा सकते हैं दोस्तों। फिफ्थ रीजन आपको बताना चाहता हूँ, इसकी हैंडलिंग काफ़ी अच्छी है दोस्तों। हाई स्पीड पे आपको पूरा कॉन्फिडेंस मिलेगा इस गाड़ी में। मैंने मारुति की कार भी चलाई है और हुंडई की भी गाड़ी मैंने चला रखी है, तो उसमें मुझे इतना ज़्यादा कंफर्ट नहीं लगा। हैंडलिंग उसकी उतनी ज़्यादा सॉफ्ट मुझे लगी नहीं टाटा पंच के मुकाबले, काफ़ी बढ़िया है। और जब आप हाई स्पीड पर होते हैं तो गाड़ी काफ़ी स्टेबल रहती है। महंगाई के इस दौर में टाटा पंच का माइलेज भी काफ़ी अच्छा है, ये कम तेल पीता है। छोटा इंजन है, 1.2 लीटर का इंजन इसमें दिया गया है, जो 86 BHP की पावर बनाता है और 113 Nm का टॉर्क भी जनरेट करके देता है दोस्तों। काफ़ी अच्छा है, अच्छी से माइलेज भी अच्छा सा निकल जाता है इसमें। हिल्स पे हम ट्रैवल करते हैं ज़्यादातर, तो हमें 16 to 17 का माइलेज मिल जाता है। ये कार देखा जाए तो ड्राइवर के लिए काफ़ी अच्छी है, आपको आगे से पूरा बोनट दिखाई देता है, जिससे आपको चलाने में काफ़ी आसानी हो जाती है। अगर आपको बोनेट दिख रहा है तो आपको कॉर्नर्स का अंदाज़ा आसानी से आप लगा सकते हैं। मैं बात करता हूँ इसके एसी की, एसी की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है, कुछ ही सेकेंड में आपका पूरा केबिन चिल हो जाता है। तो मुझे ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी लगी। और जो छोटे छोटे यूटिलिटी स्पेसेस इस कार में प्रोवाइड किए गए हैं, ये गाड़ी को कुछ अलग ही बना देते हैं, क्योंकि बहुत सारी कार्स में, बहुत लग्जरी कार्स में भी इस तरह की यूटिलिटी स्पेसेस आपको देखने को नहीं मिलते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। Till then, bye bye, take care and safe drive.